नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि कहानी में एक बार फिर से जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहां पर आप लोग देख पाएंगे कि ऋषि और लक्ष्मी के डिवोर्स के लिए इस समय जज साहिबा अपना फैसला सुनाती हुई नजर आने वाली हैं। हालांकि बात की जाए तो लक्ष्मी ने इस बार बोल दिया है कि आप जैसा चाहें जज साहब वैसा फैसला सुना सकते हैं, मुझे किसी भी तरीका से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि ऋषि ने अपील कर दी है कि जज साहिबा मुझे एक चांस और चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो लक्ष्मी के साथ में बुरा हो रहा है उस चीज़ को पूरी तरीका से निखार दे सकूं, उसे पूरी तरीका से क्लियर कर सकूं। जी हां दोस्तों, क्योंकि ऋषि को बार बार अपने आप पर अफसोस हो रहा है कि आखिरकार मेरे से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, मेरे से इतनी बड़ी गलती क्यों हो गई। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि ऋषि को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा है कि आखिर मलिष्का के साथ में जो वो टाइम स्पेंड हुआ था, नाइट स्पेंड हुई थी, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हुआ और गिल्ट फील करता हुआ नज़र आ रहा है ऋषि। ऋषि वाकई में दिल का काफ़ी अच्छा है, इस चीज़ को आयुष जानता है, लेकिन आयुष और किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ऋषि और लक्ष्मी के बीच में क्यों दूरियां बढ़ रही हैं। हालांकि लक्ष्मी ने ऋषि से बोल दिया है कि अब तुम जहां चाहे वहां अपना टाइम दे सकते हो, और चाहें तो तुम मलिष्का के साथ में फुल लाइफ रह सकते हो। मुझे अब जो तुम पर मेरा अधिकार था वो अधिकार अब पूरी तरीका से ख़त्म हो चुका है। आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीका से लक्ष्मी बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस ले रही हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार जो षड्यंत्र रचा है मलिष्का ने ऋषि के खिलाफ, इस तरीका से रच रही है ताकि ऋषि को ऐसा लगे कि मैं उसके फेवर में हूं, लेकिन ऋषि समझ चुका है कि ये मुझे बर्बाद करके ही छोड़ेगी मलिष्का। साथ ही दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताएगा। थैंक यू।